अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी बासमा। कैसा लगा आप लोगों मेरा फर्स्ट व्लॉग? होप अच्छा लगा होगा। अब मैं सेकेंड अपलोड करने जा रही हूँ व्लॉग, वो है कुकिंग का। बेसिकली वो है माश की दाल जो मैंने अपने ससुराल में आकर सीखी है। पंजाबियों की दाल है, भुनी हुई दाल बनती है और होती अच्छी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है माश की दाल, तो मैं नहीं खाती। बाकी यहाँ पर सबको पसंद है, तो आज उसका ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ। देखिएगा, ट्राई करिएगा और फिर मुझे व्यूज़ दीजिएगा कि कैसी लगी। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और ये है मेरे घर से, तो अब ये ब्लॉग भी देखिएगा। होप आप लोग को पसंद आएगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। ये है दाल के इंग्रेडिएंट, एक चॉप प्याज, एक टमाटर, ये रेड चिल्ली क्रश, ये ज़ीरा, ये सॉल्ट, ये लाल पिसी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और ये लहसुन अदरक भूनने के टाइम पे डलेगा। ऐड ज़ीरा, प्याज, टमाटर, फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे गलने के लिए। टमाटर ज़रा अपने थोड़ा सा पानी छोड़ दें, उसके बाद इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, फिर सारे स्पाइसेस डालेंगे, फिर उसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे ताकि वो एक जान हो जाए। फिर ऐड सम वाटर, उसी प्लेट को ही साफ़ कर लेंगे हम जिसमें हमने स्पाइसेस रखे थे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये दाल को भिगोया है घंटे डेढ़ पहले, हम दाल को भिगो देंगे और फिर जब हम दाल उसमें डालेंगे ना तो पानी चेक कर लेंगे कि कितनी कंसिस्टेंसी है पानी की। ज़्यादा डालेंगे तो फिर दाल जो है वो घुट जाएगी और टूट जाएगी। और ये मैंने डाल दिया, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये पकेगी थोड़ी देर, उसके बाद हमारे यहाँ तो ये ढीली ढीली खाई जाती है, आप अपने हिसाब से देखिएगा कुछ करके। वैसे ये ड्राई बनती है, इसका पानी पूरा ड्राई होता है, बिल्कुल भुनी भी बनती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ढीली खाई जाती है मेरे ससुराल में ना, तो इस वजह से। होप आप लोग को पसंद आएगी, आप इस ब्लॉग से ट्राई करिएगा, फिर मुझे व्यूज़ दीजिएगा। और इसको चपाती या तंदूर किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, अचार, चटनी।